अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद इसरार है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हॉस्पिटल नेशनल हॉस्पिटल और सरसिद हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा है और मरहम कम्युनिटी की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। और जैसे कि हमने कल पोस्ट में आपको इंगेज किया था कि आज हम कुछ गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। अगर आप इनकी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम के पेज पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको मिथ्स हैं या भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे नोट डाउन करते जाइए, हम साथ ही साथ डॉक्टर साहब से सब करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो एक प्रॉपर डाइट होती है वो कौन सी होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हेल्दी लाइफ डाइट क्या है। हेल्दी लाइफ डाइट है, सबसे पहले उसमें ये ज़रूरी है कि आपका जो खाना आप खा रहे हैं आपकी तसल्ली होनी चाहिए कि यह हाइजेनिक है। हाइजेनिक वर्ड मीन बाय हाइजेनिक, साफ़ सुथरा आप खाएँ। खाना तो आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन साफ़ सुथरा होना सबसे पहली शर्त है। कि अगर आपने बाहर से खाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में जंक फूड्स जो है ना, बर्गर्स, चीज़, इस तरह की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल की जाएं। और बाकी हेल्दी डाइट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे सेशन आगे चलेगा मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि सिम्टम बॉडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिहाज से खुराक में क्या क्या तब्दीलियाँ हैं जो की जाती हैं। ठीक है, मैं हम लोग के इनबॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज आई थी जब हमने ये पोस्ट की थी कल, तो उसमें लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, कब ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल ठीक है, एंडोस्कोपी बेसिकली कैमरा मुआयना है। गैस्ट्रोस्कोपी, अगर वो कैमरा मुआयना मैदे का किया जाए उसको गैस्ट्रोस्कोपी है, अगर बड़ी आंत का किया जाए तो उसको कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। काफ़ी लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आते हैं, मेरी मदर भी अक्सर मुझसे पूछती हैं कि एंडोस्कोपी कभी कहते हो, कभी गैस्ट्रोस्कोपी कहते हो करने जा रहा हूँ, तो उनको बताना पड़ता है गैस्ट्रोस्कोपी मैदे की और कोलोनोस्कोपी बड़ी आंत की। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या हेल्थ सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अब जो है लिवर साइरोसिस, वैसे तो आपने बताया कि इट्स द लास्ट स्टेज, तो क्या सिम्टम्स होते हैं कि इससे पहले भी हम उसको प्रिवेंट कर सकें? सिरोटिक के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कि सिरोटिक की काजिस क्या है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो काज है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है जिसको फैटी लीवर कहते हैं, जिगर पे चर्बी, जिसको लिफ्ट नहीं कराई जाती। मोस्ट कॉमन जो ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन है अमेरिका में इस पर लीवर ट्रांसप्लांट की, फैटी लीवर है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सिरोटिक की वजूहात क्या है। जब वजूहात बताऊँगी फिर अलामात और उसके मुताबिक उसका इलाज भी पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और एसिडिटी और हार्ट बर्न में कोई, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम, क्या होते हैं सिम्टम्स, किस तरह से पता चलता है कि ये एसिडिटी होगी इस खाने से, और फूड इंटेक क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एसिडिटी और हार्ट बर्न जो कॉमन पर्सन है, हमारे लोग हैं, एक ही वर्ड में यूज़ करते हैं। कोई मरीज आके कहेंगे हार्ट बर्न है, कुछ कहेंगे एसिडिटी है, तो ये वाइड टर्म है, वाइड टर्म है। आसान लफ्ज़ों में इसको मैं दो में डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं सीने में जलन है जिसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसकी ट्रीटमेंट और आती है। एक चीज़ है जो डायफ्राम से ऊपर है वो गर्ड है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसको भी लोग हार्ट बर्न एसिडिटी कहते हैं। लेकिन अगर जो डायफ्राम से नीचे है उसको आमतौर पर एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहा जाता है, एसिड पेप्टिक डिजीज, गैस्ट्राइटिस, स्टोमक रिलेटेड। तो डायफ्राम से नीचे, डायफ्राम से ऊपर, दोनों में एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये कॉमन टर्म यूज़ होती है, डिवाइड इसको इस तरह किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। सवाल आया है कि सांस की बंदिश की क्या वजह हो सकती है, क्या ये मैदे के लिए, उस मैदे से कोई लेना देना है इसका? हाँ जी, मैदे के साथ इसका लेना देना है। कई लोगों को क्रॉनिक कफ रहती है, नॉकटर्नल कफ रहती है, वो रिफ्लक्स का एक सिम्टम है। कई लोगों का गला अक्सर खराब रहता है, ईएनटी में चेक करवाते हैं, वो भी एक रिफ्लक्स की अलामत है। रिफ्लक्स का, गैस का, कई लोगों को ब्लॉटिंग, गैस के इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से सांस चढ़ जाता है, एनजाइटी के साथ स्टोमक इश्यूज बढ़ जाते हैं, सांस के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो लेना देना है लेकिन प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन और चेकअप के बाद ही कहा जा सकता है कि ये स्टोमक की वजह से है या फिर ये स्टोमक की वजह से है या फिर ये सांस की वजह से है। ठीक है,
और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल तो ठीक कहा। उसके लिए क्या रेमेडीज होनी चाहिए या क्या ऐसी हम लोगों के पास मेडिसिन होनी चाहिए जिससे उनका प्रॉब्लम सॉर्ट हो, या कोई भी ऐसी टेक्निक या कुछ भी? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता किया जाए कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की वजह क्या है। अगर वजह पता होगी, इलाज भी किया जा सकता है। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की मुख्तलिफ वजूहात है, मुख्तलिफ किस्में हैं। इवन के सबसे पहले पेशेंट की डाइट, डाइटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में मैं जैसे अपने मरीजों को कहता हूँ, नान का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, चावल बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करते हैं लोग यूज़ करते हैं, तो ये इन चीज़ों से। और देखा जाए कोई मेडिसिन, तो दूसरे नंबर पे मेडिसिन आती हैं, कई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं कॉन्स्टिपेशन करते हैं, पेन किलर्स, कई टोनोफ्लेक्स पी, इस तरह की मेडिसिन, ओपियोइड्स, नारकोटिक्स कॉन्स्टिपेशन वगैरह करते हैं। अगर आपकी खुराक ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक है, हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, और नान चावल गोश्त की प्रिकॉशन कर रहे हैं, फिर भी आपकी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही, तो कॉन्स्टिपेशन की वजूहत कई हो सकती हैं। और कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन की वजह जो है वो लोअर रेक्टम प्रॉब्लम है, रेक्टल डिस्फंक्शन, और कईयों में स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन है, कईयों की अंतड़ी स्लो काम करती है, और किसी में इंटेस्टाइन ठीक काम कर रही होती है, लेकिन स्टूल निकलने वाली जगह रेक्टम पे कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहती है। आम देखिए, सुन्नत तरीका है फ्लश। आज भी साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है कि कमोड से कॉन्स्टिपेशन होती है। कमोड इस्तेमाल करने वालों से ये रिक्वेस्ट है, अगर कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो कमोड की बजाय फ्लश इस्तेमाल करें, तो उससे एक कॉन्स्टिपेशन पे पोजीशन काफ़ी का भी होता आएगा, है कि पोजीशन आप का भी क्या होता कब है। जी होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक एंगल बनता है, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात कि एक एंगल बनता है जब कमोड इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप स्ट्रेट कॉन्स्टिपेशन, होते हो। यस, वो हाँ स्ट्रेटनेस नहीं होती, तो एंगल टर्न कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है लोअर इंटेस्टाइन। थैंक यू। ठीक हो गया। फैटी लिवर इश्यूज के बारे में हमने बात करनी थी कि प्रिवेंशंस क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या हैं उसके। देखिए, फैटी लीवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड मैंने आपको पहले बताया अमेरिका, यूरोप, कैनेडा, सबसे ज़्यादा अमेरिका में इस वक्त लीडिंग लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना, लीडिंग लीवर ट्रांसप्लांट इज़ ड्यू टू फैटी लीवर। फैटी लीवर को आम लफ्जों में जिगर पे चर्बी कहा जाता है, जिगर पे चर्बी कहा जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, ओपेसिटी और डायबिटीज़ है। ओपेसिटी और डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो है वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस करते हैं, 5 किलो या 5% भी वेट लॉस करते हैं, तो सिरोसिस, अगर आप 5 किलो का भी वज़न कम करते हैं, तो उससे भी सिरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं और फैटी लीवर रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसन्स भी हैं, कुछ मेडिसन्स हैं डायबिटीज़ में, कुछ और मेडिसन्स हैं, और नॉन डायबिटीज़ में कुछ और मेडिसन है, लेकिन जो लोग इसके रिस्क पे हैं वो ओबीस और डायबिटिक पेशेंट हाई रिस्क पे हैं, इसको आसान नहीं लेना चाहिए। अगर आपके कोई कंसल्ट, आपका कोई डॉक्टर या लोग कहते हैं ये सबको है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इस पर बहुत सारी रिसर्च इस टाइम हो चुकी है। ठीक है। हमारे पास एक सवाल आया है कि कॉजेज ऑफ क्रॉनिक डायरिया व्हाइल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन फिर भी हमें जो है वो हमारी फूड नॉर्मल हाँ हाँ रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स नॉर्मल आई नॉर्मल नॉर्मल आई हैं, लेकिन कॉजेज क्या है क्रॉनिक डायरिया के? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर ने कौन से रिपोर्ट्स कराई है, कौन से टेस्ट किए हैं। जो मेरे पास क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट्स आते हैं, उनमें वो टेस्ट नहीं होते हैं जो मैं करवाना चाह रहा होता हूँ, तो सम टाइम उनसे पता लग जाता है। देखिए, क्रॉनिक डायरिया है, कई लोग स्टूल का टेस्ट नहीं करवाते, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया का सबसे पहले टेस्ट तो स्टूल का टेस्ट करेगा, आप स्टूल में तो देखें। इसके अलावा अगर कोई वजह ना मिले, तो एक कंडीशन है जिसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसकी कोई काज नहीं है, हर तीसरे चौथे बंदे को IBS है, लेकिन क्रोनिक डायरिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिसको मैं क्रोनिक डायरिया कह रहा हूँ, क्या वो क्रोनिक डायरिया ही है, डायरिया की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता। कई लोग कहते हैं एक स्टूल पास करते हैं और तसल्ली नहीं होती, वो लूज़ होता है, वाटरी होता है, लेकिन दिन में एक ही आता है, तो एक स्टूल पास कर रहा है, इट्स नॉट इन अ डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक डायरिया। तो क्रोनिक डायरिया के लिए एक ही, क्या वो उस डेफिनेशन में आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है जो पेशेंट बताना चाह रहा है। ठीक हो गया। स्लीपिंग रूटीन और डाइजेशन का कोई कनेक्शन है कि स्लीपिंग रूटीन हमारी इफेक्ट करती है डाइजेशन को?
बिल्कुल करती है, ईटिंग रूटीन भी करती है, ईटिंग हैबिट भी करती है और ईटिंग टाइम भी करता है। तो सिनकॉर्डियन एक रिदम है, उसके मुताबिक अगर आप अपने बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली इंटेस्टाइनल फंक्शन भी इफेक्ट होगा। ओके, तो ठीक हो गया। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूसी एंड हाउ डू यू स्क्रीन फॉर देम। हो ट्रीट काजिज पूछा। बिल्कुल, एक कॉन्स्टिपेशन की, पहले मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन के लिए ये ज़रूरी है क्या वो कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन जो है वो 2 स्टूल्स पर वीक या फिर पेशेंट को स्ट्रेनिंग करनी पड़ती हो, हाथ से स्टूल निकालना पड़ता हो। अगर कॉन्स्टिपेशन है, उसकी डेफिनेशन में आ रही है, तो कॉन्स्टिपेशन की सबसे ज़रूरी बात कि आप वजह ढूंढें कॉन्स्टिपेशन क्या, ये डाइट की वजह से है। अगर डाइट की वजह से नहीं है तो वो देखें आप ड्रग की वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से हो सकती है। अगर कोई खुराक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो फिर उसके अलावा आप देखें उसकी हैबिट, पेशेंट का लाइफस्टाइल चेक करें। कमोड का मैंने पहले बताया, फ्लश का बता दिया। अगर फिर भी कोई वजह नहीं मिल रही, ठीक है, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिन दी जाती है। देर आर मैनी मेडिसिन टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, इट इज वेरी कॉमन। ब्लॉटिंग का कोई क्विक सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, ब्लॉटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आमतौर पे पेशेंट यही कहता है ब्लॉटिंग के लिए, पेट में गैस है। और गैस किसको कहते हैं? देखिए, गैस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगला क्वेश्चन होता है कि पेशेंट को कब्ज़ तो नहीं है बीच में। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक करते ब्लॉटिंग ठीक हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं है तो फूड डाइटरी हैबिट्स की वजह से है। सिंपल एक लफ्ज में मैं बात करूंगा, नेट पे आप देख लें, लिखा होगा लो फोड मैप डाइट। लो फोड मैप डाइट, दिस इज फॉर ब्लॉटिंग। जो पेशेंट ब्लॉटिंग की कंप्लेन करते हैं, गैस की कंप्लेन करते हैं, वो इसको देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ डाइट के मतलब, लो फैट डाइट्स में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आती हैं। इसके अलावा मीट आता है, 3 दालें, दाल माश, दाल चना और लोबिया, 3 सब्जियां हैं, गोभी, बंद गोभी और प्याज। और मीट सारा खा सकते हैं, मीट में सिर्फ मीट, गोश्त छोटा बड़ा नहीं खाना, चिकन और मछली ले सकते हैं। इसके अलावा बोतल जूसेस नहीं, फ्रूट्स में सिर्फ अंगूर, स्ट्रॉबेरी, बाकी सब ब्लॉटिंग करती है। थैंक यू। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑयली फूड्स ऑन स्टमक? ऑयली फूड्स जो है ना वो मैदे को स्लो कर देते हैं, डाइजेशन को स्लो करते हैं। प्रोफेसर साहब ने हमें एक बड़ी अच्छा, एक डायबिटीज का रमज़ान में एक बड़ा अच्छा लेक्चर था वो दिया लोगों को, कि हम रमज़ान में पराठे खाने देते हैं मरीज़ को। मरीज़ को कहते हैं रमज़ान में पराठे खाएं, तो वो क्यों पराठा इसको कहते हैं? क्योंकि स्टामक में फूड ज़्यादा देर तक स्टे करती है। दिस इज़ फॉर रमज़ान के, जिसमें आपने फास्टिंग करनी है, बट नॉट फॉर द रूटीन डाइट। ठीक है, रूटीन में अगर आपको ब्लॉटिंग है तो आपने चिकनाई का इस्तेमाल भी कम करना है। इसके अलावा ऑयली फूड जो हैं वो स्टामक से एसिड को ज़्यादा निकालती हैं, जिसकी वजह से स्टामक अल्सर, गैस्ट्रिक इशूज़, हार्ट बर्न, ये कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स को। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अकॉर्डिंग मोर देन 87,000 पीपल आर विजिटिंग हॉस्पिटल्स ड्यू टू द गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स। तो इसमें मैं बच्चों को भी लेकर आती ही हैं, मदर्स छोटे बच्चों को जिनको गैस प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपके ख्याल में जो बच्चों की गैस प्रॉब्लम्स है उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या कोई प्रिकॉशंस हो कि बच्चों को गैस ना हो, छोटे बच्चों को? देखिए, हाँ, ये गैस्ट्रो रिलेटेड जो इश्यूज है ना, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज में भी आते हैं। ठीक है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज के फैमिली में किसी एक को आया तो दूसरे को हो गया। अब पिछले दिनों हेपेटाइटिस ए था, काफ़ी कॉमन हेपेटाइटिस ए था, ई था, एक फैमिली में एक को हुआ, बाकी सबको शुरू हो गई, लाइन बन गई, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो गैस्ट्रो रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो फैमिली में आ जाते हैं। अगर किसी को देखिए खाना खाने की वजह से बाहर से खाना खाया, तो फैमिली सब ने बाहर से ही खाया होगा, तो सबको हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेज जो कि फैमिली में एक आ सकती हैं। ओके, अच्छा, मुझे ना ये टर्मिनोलॉजी डॉक्टर साहब बोली नहीं आ रही। एक कमेंट आया हम लोग के पास, एच फ्लोर, एच पलोरी हो गया, इट मे बी एच पलोरी। इसका सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट भी क्या है? देखिए, एच पलोरी में एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर किसी को गर्ड है, गर्ड, सिर्फ गर्ड है,
जो मैंने बताया था डायफ्राम से ऊपर की प्रॉब्लम है, उसमें एच पायलोरी का लेना देना नहीं है। अगर फिर बता रहा हूँ, अगर किसी को डायफ्राम से ऊपर कोई प्रॉब्लम है जिसको गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, आमतौर पे लोग उसकी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आते हैं एच पायलोरी है, लेकिन ये एच पायलोरी की वजह से नहीं है, उसमें एच पायलोरी को नहीं कोई करना होता। एच पायलोरी का लेना देना सिर्फ डायफ्राम से नीचे नीचे है, यानी स्टोमक, अगर स्टोमक में किसी के बर्निंग है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग, इवन एच पायलोरी ब्लॉटिंग कर सकता है, स्टोमक में पेन कर सकता है, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग विद अपडामिनल पेन, पेट में दर्द के साथ उल्टियाँ, ये एच पायलोरी कर सकता है। इवन एच पायलोरी कई पेशेंट, एक और बताऊंगा कि पेशेंट्स कई आते हैं एच पायलोरी करवाया, अगले दिन रोते रोते ऑफिस में आ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें बचा लें, एच पायलोरी हो गया, मैं कैंसर हो जाएगा। एच पायलोरी कैंसर जरूर करता है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स अगर इस तरह रहे तो तब करेगा, बट नॉट फॉर 1 डे 2 डे 4 मंथ्स 4 ईयर इवन, ये सालों में जाके अगर आप उसका इलाज नहीं करते और नेगेटिव नहीं होता तो तब जाके, हाँ इसमें रिस्क है गैस्ट्रिक कैंसर का, लेकिन 10 20 साल बाद जाके। ठीक हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि टेकिंग नॉर्मल डाइट लेकिन स्टिल 3 से 4 दिनों से वाटरी मोशंस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली लास्ट नाइट से, एक सेकेंड, पर्टिकुलरली रात को, इसकी क्या कॉज हो सकती है? देखिए, रात को अगर स्टूल्स आ रहे, 4 डेज पता है ना, तो हाँ 3 to 4 days हो गए हैं फोर रात के डेज टाइम। का मतलब है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो इन्फेक्शन है, ठीक है, इट्स नॉट अ क्रॉनिक डायरिया, इट्स अक्यूट डायरिया। तो अक्यूट डायरिया की मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है, वो तो प्रॉब्लम है, वो आपको मेरा ख्याल है कि शायद चेक करवाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक या फ्लैजल या इस तरह की मेडिसिन है, लेकिन सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन ही लें, इस तरह के इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये इन्फेक्शस डायरिया में आता है मोस्ट कॉमनली, या बैक्टीरियल है या वायरल है। ओके अगला सवाल है जी हम लोग के पास, व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस में भी गैस्ट्राइटिस, इट मे बी गैस्ट्रो एंट्राइटस। अब ये लफ्ज़ जो बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रेस में भी गैस्ट्रो एंट्राइटस कह रहे हो, वो गैस्ट्रो एंट्राइटस कह रहे हो हाँ या जी गैस्ट्राइटस कह रहे होंगे। तो गैस्ट्रो एंट्राइटस जो है वो अक्यूट एक डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, जिसमें वॉमिटिंग, नाजिया, अबडामिनल क्रैम्प, पेट में मरोड़ और उल्टियाँ, मोशन, इस तरह की शिकायत हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला सवाल आता है जी, आई हैव बर्पिंग इश्यूज, 2 साल से हैं, खाली पेट है और खाने के बाद भी बर्प्स आते हैं काफ़ी बड़े, उनका सवाल है। इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, डायफ्राम से ऊपर है ना, डायफ्राम से ऊपर बर्प, गैस, कई लोग कहते हैं गैस बहुत ज्यादा है, इतनी गैस है, बस गैस ही गैस, कई लोग मजाक में करते हैं गैस को, बहुत आगे मैं बताना नहीं चाहता। नहीं लेकिन तो अगर वो, अगर हमारे इस लेकिन क्वेश्चन से इसका डाइट रिलेटेड के साथ भी है, एक मेरी पेशेंट थी, उसको बर्प बहुत ज्यादा आते थे, मैंने सिर्फ उसका सेब बंद करा दिया, सेब भी ब्लॉटिंग करती है, गैस करती है, वो ठीक हो गई। लेकिन मैंने तो ये कहावत कईयों सुनी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यस तो आपने बट फॉर अ कैसे? हेल्दी पर्सन, ए पेशेंट है ब्लॉटिंग इश्यूज, तो सेब उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी को ब्लॉटिंग है, जो बर्फ्स की कंप्लेंट है, तो बर्फ्स के लिए एक डाइट को अपना ठीक करें, प्रॉपर कुछ मेडिसिन हैं उनको करें, अगर ओबीस हैं तो वेट को कम करें, वजन कम करने से भी बर्पिंग और ये रिफ्लक्स ठीक हो जाते हैं, और मोस्ट लाइकली जो है ना वो गैस्ट्रो इसोफेजियल वॉल्व होता है जो स्टमक और खुराक की नाली को मिलाता है, वॉल्व वो काम ना कर रहा हो प्रॉपरली, तो उससे भी गैस, जो नॉर्मल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है मैदे की गैस को खुराक की नाली में जाने से, वो वॉल्व रोकता है, अगर वो वीक हो तो उससे भी ये बर्ड्स आते हैं। एक कंडीशन है हाइटस हर्निया, जिसमें हर्निया की कंप्लेन होती है, वो एंडोस्कोपी से पता लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ये सब कुछ करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा, तो फिर एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, उससे पता लगता है। ठीक हो गया। हमारे पास एक और इसी तरह से सवाल है कि जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेडिसिन जो बहुत गैस फॉर्म होती हैं उसका कोई सोल्यूशन है मेडिसिन की डायबिटीज? डायबिटीज़ की? यस हाँ सोल्यूशन है, मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, उनकी ठीक हो जाती है। कुछ मेडिसिन है जो डायबिटीज़ की, जैसे मेटफॉर्मिन है, तो वो गैस करती है और ब्लॉटिंग, गैस्ट्रोपरीसिस, इस तरह की चीज़ें करती है, इवन के डायरिया भी कर सकती हैं, मोशन भी कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हॉट बर्न, एसिडिटी और ब्लॉटिंग, बर्पिंग, तो मेडिसिन एडजस्ट करने से बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं।
डॉक्टर, मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है और मेरे स्टमक में भी पेन और बर्निंग है। इसके अलावा उन्होंने हमसे कहा है, आई एम टेलिंग FAST फास्ट प्लस 40 CAP, प्लीज गाइड मी। फॉस यस दिस मेडिसिन नेम ठीक है। तो डायबिटीज़ भी है हाँ, नहीं, ब्लड प्रेशर का इशू है। तो गैस की वजह से भी कई पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। तो आपकी मेडिसिन में कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे मोटिलियम है, स्टोमाकोल है, तो उससे भी ये खुराक की नाली जो है वॉल्व है वो स्ट्रांग होता है, डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, उससे भी आपकी बर्पिंग बेहतर हो सकती है। अगर इसके अलावा कोई पेन किलर्स कई लोग ले रहे होते हैं, जैसे कई हार्ट के पेशेंट लोप्रिन ले रहे होते हैं, डिस्प्रिन ले रहे होते हैं, उससे भी गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्पिंग और एसिडिटी, इवन के स्टोमक अल्सर्स कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेडिसिन में अभी काफ़ी गुंजाइश है कि ये लें तो बेहतरी हो सकती है। ओके, हेयर फॉल जो है एक आफ्टर इफेक्ट है टाइफाइड का, इज इट ट्रू डॉक्टर साहब, ऐसा होता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उसके कोई, हम किसी तरह से उससे बच सकते हैं? देखिए कोई भी अगर इलनेस बीमारी लंबे अरसे तक चलेगी ना तो उसमें हेयर फॉल तो होगा, क्योंकि आपके बॉडी को और हेयर को वो न्यूट्रिशन और डाइट नहीं मिलती जिसकी उसको ज़रूरत है, तो हेयर फॉल होगा टेम्पोरेरीली है। आप डाइट इंक्रीज करें और हेल्दी डाइट्स लें, कोई मल्टीविटामिन ले लें, ये टेम्पोरेरी है, ये ठीक हो जाता है। ठीक है। एक कमेंट आया है कि उनकी बेटी को जो है वो प्रॉब्लम है कि वो स्टूल पास करने में उसे प्रॉब्लम होती है, 3 से 4 दिन हो गए इस चीज़ को, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन ऐसा वो क्या करें कि उसकी ये चीज़ नॉर्मल हो जाए? उम्र बताइए बेटी की उम्र नहीं, कितनी है, उम्र नहीं बताई, एज नहीं तो बताई। हाँ हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्होंने जी वो हमसे ये एज सवाल की पूछा है, ज़रा आप प्लीज़ हमें हाँ, तो एज के मुताबिक एज। भी बहुत ज़रूरी है। और ये कह रही है कि 3-4 डेज से है, क्या बिल्कुल इससे पहले भी ऐसा होता है? देखे ना प्रॉपर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्या इससे पहले भी होता है? अगर 3-4 डेज की कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है, कई लोग इससे पहले कई लोगों को देखे डायरिया रहता है, डायरिया की मेडिसिन लेते हैं तो 3 दिन 4-4 दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आता नहीं है, तो ये ज़रूरी है। ये तो 3-4 डेज की है और एज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, इस ये पता लगेगा तो ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा भी होता है कि, वैसे मेरा आपसे सवाल है कि आप जब सुबह उठते हो तो आपका नाश्ता करने को दिल नहीं करता, आप इतने ज़्यादा, मैं वो सिचुएशन नहीं आप एक्सप्लेन कर सक रही कि जब आप उठते हो तो कोई भी चीज़ खाने लगते हो तो ऐसा लगता है बहुत हैवी है, तो आप नाश्ता किए बगैर ही अपनी रूटीन बिल्कुल में ठीक कह रहे एंटर हो हैं, जाते हो, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम नाश्ता भी स्किप ना करें और हमें नौजिया भी फील ना हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाश्ता जो है वो एक हेल्दी डाइट में आता है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था हेल्दी डाइट में क्या, हेल्दी डाइट में नाश्ता, तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो सेम आप जैसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो ये स्टोमक का इशू होता है इनका, तो स्टोमक की मेडिसिन देते हैं काफ़ी पेशेंट्स, बल्कि सारे इम्प्रूव कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो एक कमेंट है, मेरे साथ ये हो रहा है कि आफ्टर आई लूज माई वेट 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले उन्होंने अपना वेट कम किया और उसके बाद 3-4 घंटे अगर वो भूखी रहती हैं तो उनको गैसेस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और वो कंडीशन पे सारा दिन यूं ही चलती है। अब देखिए ना ये कह रही है गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, अब यही तो मैं बताना चाह रहा था कि गैसेस किसको कहते हैं। अब गैसेस बर्ब्स को कहते हैं, फॉर्टिंग को कहते हैं, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस को कहते हैं, या पेट फूल जाता है बर्ब्स। देखो 3 चीज़ें हैं, गैस ऊपर की तरफ नीचे से, या पेट फूलना, ब्लॉटिंग, तो क्या इशूज है इसको डिस्क्राइब करना जरूरी है, तीनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अच्छा, इज देयर एनी वे दैट वी कैन ट्रांसफर टेबलेट टू इंसुलिन डायबिटीज के लिए डायबिटीज के लिए? फॉरवर्ड, लेकिन इंसुलिन जो है वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इस पर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय इसके के वेट गेन। अगर किसी पेशेंट का टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन पे आना चाह रहा है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है मेडिसिन से तो क्यों मेडिसिन से छोड़ के आपने इंसुलिन पे आना है? इससे तो वेट और भी गेन होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर, किडनी फैट, ये बढ़ जाएंगे। तो इंसुलिन इज़ गुड मेडिसिन बट नॉट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें कंट्रोल्ड है। अगर आपकी डायबिटीज़ मेडिसिन से नहीं कंट्रोल्ड हो रही तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इंसुलिन पे जा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको बता दूं कि सिर्फ इंसुलिन नहीं चलती, उसके साथ भी मेडिसिन लेनी पड़ती है जो कि इंसुलिन का असर लाती है। डायबिटिक 2 में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इंसुलिन की, अगर हाल ही इंसुलिन लेंगे वो बॉडी में तो पहले इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, तो वो मेडिसिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है, तो
इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपकी सेटिंग करेगा मेडिसिन से। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जॉन्डिस से रिलेटेड भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जॉन्डिस के क्या अर्ली सिम्टम्स नाउ इज द स्टेज कि अब आपको नेक्स्ट में जॉन्डिस होने लगा है, हम उसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जॉन्डस डिपेंड करता है कौन सा एक्यूट जॉन्डस है, जो कि बहुत फैले होते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई, सबसे पहली अलामत वो भूख का कम हो जाना, वॉमटिंग, नाजिया, इनमें कुछ भी हो सकता है। कई पेशेंट्स को वॉमटिंग नहीं होती, सिर्फ नाजिया और भूख कम हो जाती है, साथ में हेडेक होता है, फीवर हो जाता है। फीवर ज़रूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। जो जॉन्डिस जिसको कहते हैं वो है पीलापन आँखों का, वो तो लेट आता है, आफ्टर 1 वीक, 2nd वीक में जाके आता है। अगर बात करें क्रोनिक हेपेटाइटिस की, जो हेपेटाइटिस बी सी जिसको काला जरकान कहते हैं, तो काले जरकान में आमतौर पे अलामत इस तरह की नहीं आती, जैसे नौजिया, वॉमटिंग, ठीक है, डायरिया, इस तरह की कोई अलामत नहीं आती, सर में दर्द वो भी नहीं होता। पेशेंट्स को पता लगता है आमतौर पे जब पेट में पानी, काला काला बहाना, खून की उल्टी, इस तरह की आ जाए। इसकी जो इब्तदाई अलामत हैं वो है जिस्म में कमज़ोरी, थकावट, वीकनेस। अगर आपको बॉडी में वीकनेस है और कोई वजह नहीं मिल रही तो हेपेटाइटिस के टेस्ट होने चाहिए। एक और चीज़ है कि अगर कलर ब्लैक हो रहा है, रंग आपका स्याह हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट कराएं। अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी है, जिस्म में दर्दें रहती हैं और आपने कभी हेपेटाइटिस के टेस्ट नहीं करवाए, तो हेपेटाइटिस के टेस्ट आपको करवाने चाहिए। हाँ, लाइफ में हर बंदे को करवाने चाहिए, 35 के बाद भी आप करवाएं। आमतौर पे वीकनेस रहती है तो कमज़ोरी जब भी हो तो टेस्ट हेपेटाइटिस के ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जॉन्डस के अंदर ये चीज़ आ जाती है ना कि आपको एक हफ्ते बाद सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं, हाँ मतलब जी, एक हफ्ता तो वही चलते रहते हैं एक एक्यूट हफ्ता जो है ना जॉन। एक्यूट में हाँ, नौसिया, वॉमिटिंग यही चलता नहीं है, सकता हेडेक, था। एपीटाइट कम। जॉन्डस जो है ना, जो पीलापन है, वो 2nd वीक में जाके आता। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया है कि माय सन इज 3 ईयर्स ओल्ड और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसके इशू के इस इशू के लिए क्या किया जाए, कोई हल है इसका? अक्सर ही कॉन्स्टिपेशन हाँ, होती है बच्चों को। देखें, बच्चे को ना, आप ये भी ज़रूरी है कि 3 साल का, क्या आप उसको रोटी दे रहे हैं, फाइबर डाइट दे रहे हैं, वीटा बेस या इस तरह की कोई फाइबर डाइट भी दे रहे हैं, कि या सिर्फ दूध है, पाउडर्स हैं, या इस तरह की चीज़ें ही दे रहे हैं। तो अगर आप ये फूड उसकी ठीक है और कॉन्स्टिपेशन की फैमिली हिस्ट्री, और बच्चों को तो नहीं है, हो सकता है फैमिली में कॉन्स्टिपेशन रन कर रही हो और भी बच्चों को, या आपने इसके कोई थायराइड के टेस्ट करवा लिए हैं या और भी टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लिया और कोई वजह नहीं मिली, तो फिर पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर हैं, तो वो अगर कॉन्स्टिपेशन 3-4 ईयर के बच्चे को है और चल रही है और इवन के मेडिसिन खाने पड़ती है, ठीक है, अगर मेडिसिन से भी नहीं ठीक हो रही, तो फिर मेरा ख्याल है बच्चों के डॉक्टर को मिलना चाहिए। कुछ डिजीज होती है जो कंजेनिटल होती हैं, जो कि लोअर इंटेस्टाइन की डिजीज हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है। जिन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था कि उनके बेटी को 3 से 4 दिनों से स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा हार्ड होता है हाँ, वो, उनकी उनकी उम्र उम्र 7 साल है, उनका कमेंट देखो, आ वो रहा है। देखें ना, बच्चों में ये कॉमन है। अब बच्चों को देखें, अगर बच्चों एक्टिव है, पार्क में जाते हैं, वॉक करते हैं, दौड़ लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्टिव लाइफस्टाइल है, और रोटी भी खा रहे हैं, और बाकी आपने नान की भी प्रिकॉशन, जो फूड की मैंने पहले बताई है, वो करने के बाद भी सब कुछ है, तो ये 3-4 डेज की कॉन्स्टिपेशन है, तो इसको पहले इन्वेस्टिगेट की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में आप इनको कोई कपास का सिरप देते हैं, कोई दवाई देते हैं, अगर फिर भी ये बार बार होती है, ऑन एंड ऑफ होती है, तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये 3-4 डेज की है, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि एक सवाल आया है कि 3 से 4 दिन हो गए हैं उनकी अम्मी को जो है वो लिवर के पास वाले एरिया में पेन फील होती कौन से है, एरिया में? लिवर एरिया में। लीवर एरिया। हाँ, और इट ऑल्सो बिकम स्टिफ एंड स्वेल्ड, जब उनको पेन होती है तो वो स्टिफ भी हो जाती है और स्वेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ओके, तो क्या पॉसिबल कॉज हो सकती है इस चीज़ की? देखिए, अगर जिगर की एरिया में पेन है तो फैटी लीवर भी हो सकता है, वहाँ पे गॉल स्टोन भी है, गॉल ब्लेडर भी है, स्टोमक की पेन भी समटाइम्स उधर चला हाँ, जाती है, लीवर बिल्कुल। वाली जगह पे। इवन के पसलियों की प्रॉब्लम, अगर किसी को क्रोनिक कफ है तो रिब्स पेन करेंगी, वो भी पेन हो सकती है, वो तो हिस्ट्री से ही पता लगेगा। ये वजूहात मैंने बता दी हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री से ही पता लगेगा। थैंक बिल्कुल यू। ठीक है। अच्छा, एसिडिटी के लिए क्या करना चाहिए, उससे किस तरह बचें हम
इस एसिडिटी बेटी का के प्रॉब्लम लिए हो पहले जाता सबसे पहले लाइफस्टाइल बताइए आपको, वो लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, और इसके अलावा वॉक करें, वज़न कम करें, बाहर के फूड और जंक फूड्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और एक सजेशन ज़रूर दूंगा, जो ये वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। कई लोग सर्दियों में विंटर में वाटर कम पीते हैं, वाटर कम पीने से ब्लड प्रेशर के भी अमराज बढ़ जाते हैं और एसिडिटी तेजाबियत भी बढ़ जाती है। तो वाटर का ज़्यादा होना चाहिए और खानों में ज़्यादा वक्फे ना दें। ओके ठीक हो गया। पास कुछ और भी सवाल हैं, जैसे कि बुखार में शिवरिंग टाइफाइड की इंडिकेशन है। बुखार में अगर आप शिवर कर रहे हो, कांप रहे हो, ट्रेम्बलिंग है, तो क्या ये एक टाइफाइड का सिम्टम काउंट किया जा सकता अरे है? टाइफाइड में ये हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो सकती है, लेकिन शिवरिंग की और भी वजह है, जैसे मलेरिया है, डेंगी बुखार, उसमें हमारे पास पेशेंट आते थे चार चार कंबल लेके लेकिन अब तो आते मेरे थे। ख्याल में डेंगू का कम हो हाँ गया नहीं, अब तो है। बहुत ही ना होने के बराबर बिल्कुल ठीक है। गॉल स्टोन्स की मेन कॉज क्या हो सकती है? है। गॉल स्टोन की सबसे ज़्यादा बड़ी कॉज ज़्यादा बच्चे, मल्टीपैरेटी, फीमेल होना ही एक बहुत बड़ी वजह है गॉल स्टोन्स की, और ऊपर से ज़्यादा बच्चे, वो भी एक सबसे बड़ी वजह है। तीसरी वजह जो है वो ओबेसिटी है। इसके अलावा कुछ और काजिज हैं, जैसे कि ब्लड का ज़्यादा टूटना, जो हेरिडिटी डिजीज है जिसमें ब्लड लॉस है, ब्लड का ज़्यादा टूटना, जिसको हिमोलिटिक एनीमियाज कहते हैं। ठीक है। माई फादर्स एपिटाइट इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, हिज टेस्ट आर फाइन। व्हाट एपिटाइट, एपिटाइट इज भूख, डिक्रीज, हाँ भूख नहीं लगती उन्हें, और इसकी वजह से जो है वेट लॉस भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो हम इसको किस तरह से नॉर्मल लेकर आ सकते हैं? देखिए स्टमक की वजह से, मैदे की वजह से भूख कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या मैदे की अलामत आ रही हैं इनमें, मैदे में जलन, तजाबियत, क्या इस तरह की अलामत है, और आपने मेडिसिन उसकी दी है या नहीं दी। अगर मेडिसिन भी आपने सारी दी है और वेट लॉस भी है, तो फिर मेरा हाल है एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, कैमरा टेस्ट, इसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, कि देखना पड़ेगा। और सम टाइम कुछ मेडिसिन से भूख कम हो जाती है, डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन है जैसे मेटफॉर्मिन है, उससे एपिटाइट कम हो जाती है। कई पेन किलर्स हैं, एनसेड्स हैं, इवन डिस्प्रीन, एस्प्रीन, ये स्टोमक में गैस्ट्राइटिस करते हैं, भूख कम लगती है। तो डिटेल हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मेडिसिन आपको सूट ना करे? क्योंकि ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक मेडिसिन यूज़ की, अभी आपने उसका नाम भी लिया, एनसेड। तो जैसे ही मैंने वो ली, मुझे शाम को डायरिया हो गया। मुझे ऐसे लगा कि दिस इज़ द ओनली कॉज, क्योंकि मैंने तो बाहर का खाना भी नहीं खाया। आपको क्या लगता है कि कोई मेडिसिन से आपको हो सकता है डायरिया या कुछ? मेडिसिन इंड्यूस डायरिया जो है ना, वो बहुत कॉमन है। इवन के कई डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं, एनसेड्स हैं, पेन किलर जो आप खाते हैं, सर दर्द के लिए खा ले, पॉन्स्टान, पेन किलर, एनसेड, डिक्लोफेनिक, ये सब डायरिया कर सकते हैं। इवन के आप मैदे की जो दवाई खाते हैं, इसोमेप्राजोल, रोलिंग, राइजिक, ये डायरिया करते हैं, मतलब ये वही मोटिलियम डायरिया करती है। सही, वही बात होगी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सी मेडिसिन हाँ सूट कर जी, रही है। और कई पेशेंट हैं ये सब मेडिसिन ले रहे हैं, उनको डायरिया नहीं है, नहीं हो रहा, उनको बिल्कुल डायरिया ठीक। नहीं है। तो जिसको डायरिया होता है और क्रॉनिक डायरिया होता है, तो ये पहले मैंने बताया उसमें एक डाइटरी हिस्ट्री ठीक है और दूसरी ड्रग हिस्ट्री ली जाती है, तो सबसे पहले इन मेडिसिन को बंद किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला सवाल है हम लोगों के पास, इट इज इट अ मिथ और अ फैक्ट दैट जॉन्डिस कैन बी ट्रीटेड विद सनलाइट? इन बेबीज ओनली बट ठीक नॉट है। फॉर द यंगस्टर एडल्ट। ओके, ऐसे कौन सी गजाएं हैं, ऐसा कौन सा खाना है जो कि दे आर हार्ड टू डाइजेस्ट, जिनको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है ऑयली ज़्यादा? फूड्स हैं, नान है, गोश्त है। हाँ नान और गोश्त है, लेकिन मैं जहाँ तक तो मुझे पता है तो मटन तो इज़ अ गुड न्यूट्रिएंट, नहीं? नो, एवरीथिंग इज गुड, विच वन इज नॉट गुड, अल्लाह की दी हुई चीज़ें सारी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। कहीं देखें ऑयल भी ठीक है, लेकिन हर चीज़ की ज्यादती, और मैंने आपको पहले बताया अगर किसी को एक्सेस प्रॉब्लम ऑफ है, अब कई एवरीथिंग लोग कब देखें, कई लोग नान खाते हैं, गोश्त खाते हैं, नहीं कपस होते, ये सारी चीज़ें करते हैं, फल भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। मैंने एक ऐड करता हूँ, दूध भी ब्लॉटिंग करता है, ज़्यादा इज। हाँ जी, ब्लॉटिंग, मैंने इसके बारे में ये बिल्कुल सारी सुना है। चीज़ें खाते हैं, उनको डायरिया नहीं होता।
कई लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं, ब्लॉटिंग नहीं होती। तो जिसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके मुताबिक उसकी डाइट एडजस्ट की जाए, ठीक है। अब कई लोगों को मैंने बताया कि इवन के गोली से मोटिलियम से डायरिया हो जाता है, कईयों को शुगर की दवाई से हो जाता है, सही, कईयों को शुगर की दवाई से एसिडिटी शुरू हो जाती है, हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल एक बहुत ही कॉमन पैटर्न देखने में आया है कि एक लोग एक ट्रैक पे चलने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सैलड्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते बिल्कुल हैं। ठीक। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेली के हिसाब से, या आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए मटन या और एग या कोई ऐसी चीज़ें भी लेनी चाहिए? आमतौर पे जो लोग सलाद और ये चीज़ें ले रहे थे वो मेरा ख्याल है डाइटिंग प्लान पे अमल कर रहे थे, बिल्कुल, तो डाइट को ही मैं देना चाह उसमें रही हूँ। लेकिन आम जरूरी चीज़ है कि जो गोश्त है ना, बोटी वाली कोई भी चीज़ है, प्रोटीन डाइट, ये वेट लॉस कराती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, ये कीटो डाइट्स में आते हैं। तो अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं, सैलड के साथ आप मटन बीफ ये चीज़ें भी इस्तेमाल करें तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदे के साथ साथ जो वेट लॉस के साथ आप में जो वीकनेस और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होनी है तो वो भी कम से कम होगी। आप साथ वेट लॉस के साथ साथ अगर वेट लॉस के लिए सैलड इस्तेमाल करें तो साथ कोई मल्टीविटामिन भी यूज़ करें। ठीक है। बाबा रफीक हमसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एज जो हमने पहले एच बताई, पलोरी यस, उससे रिलेटेड है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव है, बाकी सारी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, बीपी हाई है, फीलिंग है, हेडेक है, और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, डिजीनेस है, विजन प्रॉब्लम है, नॉजी, मसल एंड बॉडी पेन है, और नंबनेस इन फिंगर्स। सारी उन्होंने पूरे प्रॉब्लम, सिम्टम्स हमें भेज दिए हैं सारी और प्रॉब्लम। वो देखिए कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको ज़रा आंसर करें। अगर आप समझते हैं ये सारी प्रॉब्लम एच पलोरी की वजह से है ना, तो ये ऐसा नहीं है। एच पलोरी से ये मेरा नहीं ख्याल आपको इसमें से कुछ भी हो रहा है। और एच पलोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपने पहले एच पलोरी की कभी ट्रीटमेंट ली है तो एच पलोरी का जो टेस्ट ब्लड से किया जाता है, ठीक है, जो ब्लड से किया जाता है वो आप दोबारा कभी भी नहीं करवा सकते। तो या तो एंडोस्कोपी से वो बायोप्सी लेके होगा या स्टूल के अंदर एच पलोरी चेक होगा। अब मुझे नहीं पता ये इन्होंने ट्रीटमेंट ली है या इनका स्टूल एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है एच पलोरी का, लेकिन ये जितनी अलामत बता रहे हैं ना, ये मैं नहीं समझता कि ये एच पलोरी इतना कुछ करती है। एच पलोरी करती नहीं है ये सब कुछ। अच्छा, चले ठीक है, आपको आपका मैंने सवाल आपको का पहले जवाब बताया था मिल कि गया। एच पलोरी से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। कई लोग रोते रोते आते हैं क्लिनिक में, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बचा लें, एच पलोरी आ गया। काफ़ी उनको समझाना और काउंसलिंग करनी पड़ती ठीक है। अच्छा, मेरे पास सवाल है, आप कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं? है। अरे मैं सर्जिकल प्रोसीजर जो एंडोस्कोपिक रिलेटेड है ना, जैसे वेरिसिस बैंड, टांके लगाना, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, डायलिटेशन, बलून डायलिटेशन, अक्लेजिया डायलिटेशन, कोलोनोस्कोपी के जरिए जो इंटरवेंशन होती हैं, पॉलीपेक्टमी, ईआरसीपी, ये मैं प्रोसीजर करता हूँ। इसके ठीक है, अलावा फॉरेन बॉडी रिमूवल। ओके। अच्छा, कीटो डाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि डाइटिंग को लेके बहुत हर कोई जो है इस पैटर्न पे चल रहा है, तो जरूरी भी कीटो है डाइट जो है वो हमारे वेट लॉस के लिए गुड है कि नहीं है? हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए अगर अगर हम कीटो डाइट ले रहे हैं तो इज इट फाइन कि हम उसकी वजह से वेट लॉस कर सक रहे हैं या नहीं, नहीं? कीटो डाइट से तो वेट लॉस होता है। मैंने अपने कई पेशेंट्स का वेट लॉस करवाया है, ठीक है, यानी आप डाइट लेकिन प्लान्स भी आप दे रहे अगर खुद हैं। से कीटो डाइट लेना शुरू कर ये बैड होगा, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर के थ्रू आप कीटो डाइट ले रहे हैं वो आपको साथ दवाई भी देगा साथ। इवन के कई लोग कीटो डाइट लेते हैं उनके गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, मेरे पास आते हैं कई पेशेंट, एसिडिटी तेजाबियत बढ़ जाती है, वो फिर आगे कीटो डाइट ले नहीं सकते, वो दोबारा बिल्कुल, फिर वेट बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, ओबीस है, तो उसके लिए कीटो डाइट तो ब्लेसिंग है, वेट लॉस होगा, उसकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की कीटो डाइट ले रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती बिल्कुल ठीक है। इसका यही मतलब हुआ कि डॉक्टर साहब जो है वो डाइट प्लान भी देते हैं, तो है। आप लोगों को अगर चाहिए हुआ तो ज़रूर आइएगा। अच्छा, हमारा सवाल आया कि डॉक्टर साहब कहाँ मिल सकते हैं, किस हॉस्पिटल में? उन्होंने अपने बिल्कुल शुरू में बताया कि वो उमर हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करते हैं और नेशनल हॉस्पिटल में भी होते हैं, साथ ही साथ गुजरात में भी ये प्रैक्टिस कर आज रहे हैं। मैं गुजरात में जाता हूँ सैटरडे संडे।
सैटरडे से वीकेंड्स पे गुजरात में होते हैं, सो ये तीन जगहों पे वो प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने मिलना हुआ तो अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास सवाल आ रहा है कि इज़ इट ट्रू दैट बस्टिंग ऑफ अल्सर इन स्टमक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग? कौन सा अल्सर? कोई भी अल्सर, यस, अल्सर का अल्सर कैन भी लाइफ थ्रेटनिंग। इट कैन ब्लीड, इट कैन परफोरेट, फट सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कई केसेस देखे हैं और काफ़ी पेशेंट, डरने की बात नहीं है, काफ़ी पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग पेप्टिक अल्सर। लेकिन पेप्टिक अल्सर भी अगर आपने एंडोस्कोपी के थ्रू डायग्नोज कराया तो वो पेप्टिक अल्सर की बात करें मुझसे। आप ये ना कहेंगे कि एच पलोरी की रिपोर्ट ला के अगर कोई कहता है कि पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर तो जब तक एंडोस्कोपी पे अल्सर देखा ना जाए तब तक उसको पेप्टिक अल्सर नहीं कहा जा सकता। ठीक है। हाउ सेफ इज इट टू यूज द सेम गैस्ट्रोस्कोपी ट्यूब्स फॉर ऑल द पेशेंट्स? रिपीट करें। हाउ सेफ इट इज टू यूज द सेम गैस्ट्रोस्कोपी ट्यूब फॉर ऑल द पेशेंट्स, सारे पेशेंट्स के लिए? एक ही एंडोस्कोप सबके लिए तो बिल्कुल सेफ है ये चीज़। सेफ है, क्योंकि एक एंडोस्कोप वो तकरीबन 20-30 लाख की तो सिस्टम है पूरा, और इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। एक पेशेंट अगर किया तो दूसरे पेशेंट पे करने से पहले प्रॉपरली 25 to 30 मिनट्स तक स्टेरिलाइज किया जाता है, और वो इंटरनेशनल तरीके से स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है जो अमेरिकन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और मुझे पता है नेशनल हॉस्पिटल में मैं जब एंडोस्कोपी करता हूँ मेरे तीन तीन पेशेंट्स होते हैं, लेकिन असिस्टेंट जो है वो एक ऑपरेशन के बाद मुझे 25-30 मिनट का वेट कराते हैं। दे डोंट अलाउ मी, मुझे इजाज़त नहीं दी जाती, मुझे इजाज़त ही नहीं है कि मैं दूसरे पेशेंट की उसी के साथ कर लूँ। बिल्कुल मुझे सही। वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है 25-30 मिनट, उसके बाद फिर स्टेरिलाइज होके फिर दोबारा दूसरे पेशेंट को। अच्छा, अगर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं वेट लॉस से रिलेटेड, यहाँ पे हमें क्वेरी आई है वेट गेन से रिलेटेड कि हम अपनी हेल्दी डाइट, नॉर्मल डाइट के लिए किस तरह से अपने वेट को गेन कर सकते देखो, हैं वेट गेन करना तो बहुत नॉर्मल? आसान काम है, नहीं मैं आसान डॉक्टर तो साहब, वेट हम गेन के लिए बहुत मशहूर हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज की मेरे एक पास मेरी शिकार असिस्टेंट हूँ। थी अच्छा। और वो कहती डॉक्टर साहब मेरा वेट नहीं बढ़ सकता। उसने अभी उसको 2 मंथ्स हुए थे, मैंने उसका 5 kg वेट गेन करा। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, माए लेके आती हैं, डॉक्टर साहब ये वेट नहीं बढ़ रहा, तो मैं मेडिसिन देता हूँ। एक माह बाद एक औरत आई और वो कहती है कि डॉक्टर साहब बस कर दें, अब कोई खाना नहीं छोड़ता, भूख कम करने की दवाई दें। तो ये तो मेडिसिन सेफ वेट होती गेन हैं? करना, हाँ मेडिसिन्स हैं, देर आर सेफ होती हैं, मेडिसिन, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते कि आप वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस के लिए कुछ? टेम्पररीली दी जाती हैं। वेट ओके। गेन कितना वेट गेन करना आपने, ज़रूरी यही है ना कि कितना वेट गेन करना है। अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि स्टोमक इश्यूज हो सकते हैं पेशेंट को, मैदे का मसला हो सकता है जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती, या खाना डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इवन के उसको कई लोगों को सीलिएक डिजीज़ निकल आती है, कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरिया हो, तो ओके। ज़रूरी है कि पहले देखा जाए उसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। और वेट बढ़ाना मुश्किल नहीं है, वेट कम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। सही हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है कि शायद मैं नाश्ता नहीं, स्किप आपने करती अभी तक हूँ। मुझसे मेडिसिन नहीं ली। हाँ चले, मैं आपके पास आऊँगी इस चीज़ के लिए। ठीक है। वेट लॉस पिल्स के बारे में पूछा उन्होंने कि ये डेंजरस हो सकती हैं, किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं हम लोगों वेट पे? लॉस देखिए, वेट लॉस पिल्स जो लोग सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, जो और लिवर, नेशनल, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ हाँ वेट क्वेश्चन, लॉस, लिवर को भी इफेक्ट करती हैं कि नहीं? देखिए फैटी लीवर की मैंने आपको पहले बताया कि वेट लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर किसी का जिगर पे चर्बी है और 20 है, वेट लॉस कम करना चाह रहा है, वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वज़न कम करने से जिगर बेहतर होता है। लेकिन दूसरा जो पहला क्वेश्चन था आपका कि मेडिसिन से करना चाहिए, तो ये बता दो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है इतने, हर पेशेंट्स का मेडिसिन के साथ वेट कम नहीं होता। और जो नेचुरल तरीका है जैसे आप कीटो डाइट लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है करने से, नेचुरल तरीका है, क्योंकि उसमें पेशेंट की अपनी विल पावर भी काम करती है ना। अगर मेडिसिन से कर देंगे, कल मेडिसिन छोड़ेंगे, कई पेशेंट कहेंगे डॉक्टर साहब दोबारा वजन बढ़ गया, तो मेडिसिन तो नहीं लेते रहना हर बार, नेचुरल तरीके से वजन कम करें, वॉक करें, कीटो डाइट है। और अगर नहीं हो रहा तो
इंजेक्शन है जैसे विक्टोजा का इंजेक्शन है, ट्रूलिसिटी, और ये वेट लॉस कराते हैं। मैंने अपने पेशेंट्स का मेडिसिन से भी कम किया है, एक पेशेंट का 12 किलो वजन कम किया। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए ठीक है, ये हमारा लाइव सेशन अब होने जा रहा है ख़त्म। आपकी मज़ीद अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें इनबॉक्स करें और उसके बाद हम अगले लाइव सेशन पे आपसे मिलते हैं कुछ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बढ़िया, हमारे थैंक यू सर, साथ आए यहाँ पे थैंक। और आपने हमारे इतना कॉपरेट किया, लोगों को जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सारी आवाम से यही है कि हेल्दी डाइट को अपनाएं। पहली चीज़ जो हमने इससे एक नतीजा निकाला, एच पलोरी से ना डरें, और कीटो डाइट फायदेमंद है लेकिन नुकसानदेह भी है अगर आप खुद से कर रहे हो। और तीसरी चीज़ है कि जब आप ब्लॉटिंग, गैस या क्रोनिक डायरिया, एसिडिटी का प्रॉब्लम बताते हैं तो उसको एक्सप्लेन करें कि ये गैस का प्रॉब्लम क्या है। जैसे डायफ्राम से ऊपर है, डायफ्राम से नीचे, मैंने एक एग्जांपल दी। अपने सिम्टम्स को अच्छी तरह डिस्क्राइब करें। कई पेशेंट्स जाते हैं बिजी कंसल्टेंट के ऑफिस में, उनके पास टाइम नहीं होता। पेशेंट कह देता है गैस है, वो समझते हैं शायद गैस हारिस ज़्यादा हो रही है, उसकी ट्रीटमेंट लिख देते हैं, प्रीज को भर पा रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले बताया कि मुख्तलिफ किस्में है उसकी, हर किस चीज़ की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बिल्कुल और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। थैंक यू वेरी मच। ठीक। चल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।